من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلان کیا گیا جماعت کے بعد آج کے ہمارے ہفتہ واری پروگرام میں محفل اخبار شناسی کی 1012 نشست منعقد ہو رہی ہے بتاریخ 1 جنوری 2020 مطابق 5 جمادی الاول 41 ہجری ہے. حضرات بروز چہارشنبہ آپ سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے مقرر کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری کئی محفلوں کو بھی اب تک گرمایا ہے اور وہ ان کا خطاب کی اہمیت ایک لحاظ سے اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زیادہ تر بیرون ملک رہے ہیں
जर्मनी में उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे हैं और फिर जाहिर है कि बैरूनी मालिक में रहने की वजह से हल्का अहबाब भी बढ़ जाता है वहाँ का, और फिर वहाँ जो दीनी महाफिल होते हैं उसमें उनसे इस्तेफादा किया जाता है और वो जाहिर है नज़र उनकी बैन अवी सतह पर हो जाती है। बहरहाल डॉक्टर रखाउल एक अकबालियात के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अब तक उन्होंने कई महफिलों को हमारे घर आया है। मैं आज फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि आप नौजवानों को हमारे इस्लामी तहजीब और दीनी इज्तिमा से वाकिफ़ करवाने के लिए उनको ज़रूर साथ देते आइए। हजरात, आज का उनवान बड़ा अहम है, क्या इकबाल ने सर जंग की पेश कैसी की? और जाहिर है कि सर जंग क्या है वो भी बताएंगे आप। अब ये भी ख्याल किया जा सकता है कि जंग से ज़्यादा सर जंग भी नुकसानदेह हो सकती है, तो लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त नहीं आपका आज के हमारे मुखर्जी साहब से गुजारिश करूँगा। पहले तो ये भी आपसे गुजारिश है कि हमारा ये वेबसाइट जो है इससे इस्तेफादा करिए, आपका ना आना हो तो इस्तेफादा करिए, मोहल्ले वालों को बोलिए, किसी एक घर में भी इससे इस्तेफादा किया जा सकता है चार पड़ोसियों को बुलाकर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाद हमारे सामईन ऐसे हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं तो बराबर इससे इस्तेफादा करते हैं, और बाद टेलीफोन पर शिकायत भी आती है कि साहब फ़लाँ में देर हुई, फ़लाँ नंबर याद नहीं है, फ़लाँ ममान याद नहीं है। तो इस तरीके से जब बैरून ममालिक में इसमें इस्तेफादा हो रहा है तो आप पे भी जिम्मेदारी है कि मकामी लोगों को इसके बारे में इस्तेफादे के बारे में तवज्जो देना है। मैं आज के हमारे मुखर्री डॉक्टर लिखाउल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शहर नशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ज़रीन ख्याल से इस्तेफादे का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कहा है, उसका इरशाद गिरामी है कि तबारक लजी जआला फिस समाई बुरूजम व जआला फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा व लजी जआला लैल व नहार आयातन लिमन अरादा अन यदक्करा व अरादा शुकुरा व इबादुर रहमान यमशून अलल अर्दि हौलन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा व लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, ये आयात मैंने आपके सामने क्यों तिलावत की, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा उनका तर्जुमा और तफसीर भी, मगर जो चीज़ मैं आपके सामने आज बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि मज़मून को पिछली दफ़ा हमने जहाँ से छोड़ा था थोड़ा सा उसका मैं जो है ख़ुलासा बयान कर दूँ आपके सामने। इश्तराकियत, जैसा कि मैंने पिछले दफ़ा आपको बताया था, कार्ल मार्क्स इसका मौजिद था और वो जर्मनी में पैदा हुआ और वो यहूदी नस्ल था। और एक बात जो पिछली दफ़ा मैं आपको नहीं बताया था आज बता रहा हूँ, वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी पेश की इश्तराकियत की वो कोई नई थ्योरी नहीं थी। वो जो है अगर आप तारीख का मुताला करें तो ईरान के एक फ़लसफ़ी थे, उनका नाम था मज़दक, और हकीम मज़दक ने जो जिन ख्यालात का इजहार किया था वो ये था कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर दो क़ुव्वतें काम करती हैं, एक क़ुव्वत रहमानी क़ुव्वत है जिससे दुनिया में खैर सादिर होता है और उसका मंबा वो यज़दान। यज़दान ये लफ्ज़ क़दीम फ़ारसी से जो है ना इस्तेमाल होता आया, हमारे पास उर्दू शायरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यज़दान का,
خدا کے واسطے, اور خدا بھی لفظ جو ہے وہ عربی نہیں ہے, یہ بھی فارسی لفظ ہے. اور یہ خیر کے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یہ ہے, اور جو شر کا موجود ہے جسے شر یہ ہوتا ہے اس کو اہرمن جو ہے کہتے ہیں. اچھا, اور یہ جو ہے وہ جو مصدق کی عقیدہ تھا, یہ شخص تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صدی پہلے پیدا ہوا تھا. اور ایران کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو نوشروان عادل کے زمانے میں یہ جو ہے تھا, اور اس کی تعلیمات نوشروان عادل کو پسند نہیں تھیں, اس لیے نوشروان عادل نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے مگر اس کے جو نام لیوا تھے, اس کی تحریک کو جو آگے چلانے والے تھے, وہ بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیے, تو نوشروان نے اس تحریک کے سارے لوگوں کا قتل کر دیا تھا. اور اس کو جو ہے نا اسی زمانے سے لے کے مصدقیت جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جس کو اقبال نے بھی استعمال کیا ابلیس کی مجلس شورا کے اندر. یہ جو ہے مصدقیت کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں جو فساد ہے وہ تین چیزوں سے ہے, ایک زر, زمین اور زن. سارا دنیا کا جتنا بھی فساد برپا ہوا ہے آج تک وہ یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. تو بہرحال میں اس زمانے کے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ عقیدے کے جو ہے حساب سے بول رہا ہوں, ان کے عقیدے کے حساب سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زر, زمین, زن جو ہے یہ تین چیزیں باعث فساد ہیں. اور مصدق یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ تینوں چیزوں کو برابری کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں فساد ختم ہو جائے گا. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ اشتراکیت کا جو ہے وہ پرانا ورشن اور کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو اب مجھے جو ہے نا اشتراکیت کو زیادہ گہرے طریقے پہ سمجھانے کی کوئی جو ہے وہ اتنی حاجت باقی نہیں رہی, اگر آپ نے اس کنسپٹ کو سمجھ لیا مصدقیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. خیر, اور یہ کوئی نیا عقیدہ بھی نہیں تھا, یہ کارل مارکس کا ایجاد کردہ نہیں تھا بلکہ حکیم مصدق کا تھا جس کو اقبال نے استعمال کیا. اور یہ لفظ جو ہے مصدقیت کا لفظ اقبال کے سوا چند ایک دوسری جگہوں پہ بھی میں نے پڑھا ہے, مگر یہ اتنا کامن نہیں ہے, ہر جگہ اشتراکیت کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. اور مصدقیت اشتراکیت کے لیے یہ لفظ اقبال نے صرف ابلیس کی مجلس شورا کے اندر استعمال کیا ہے. یہ تمہید کے بعد میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارکس یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں انقلاب سیدھے طریقے سے نہیں آتا, اور جیسا کہ ہماری دکنی محاورے کے اندر ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا, اس لیے وہ یہ سمجھتا تھا اور اس کو جائز سمجھتا تھا کہ انقلاب ہمیشہ خون بہانے کے ذریعے ہی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. ٹھنڈے پیٹوں انقلاب کو برپا ہونے قومیں نہیں دیتی ہیں, اور اگر صحیح معنوں میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے تو اس لیے اس کو خون کے راستے ہی سے انقلاب برپا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی اشتراکیت کی طرف کوئی آدمی اشارہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں سرخ سویرا نام دیتے ہیں اس کو, کہیں جو ہے وہ سرخ انقلاب کہتے ہیں, اور کہیں جو ہے وہ جیسا کہ محترم خلیل الرحمان صاحب جو نا ہمارے خلیل حسینی صاحب اللہ مغفرت کرے, سرخ اندھیروں میں انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ کتاب لکھی, تو اور مسلمان اور سیکولر دھارا انہوں نے ہی کتاب ایک لکھی. خیر, یہ جو ہے وہ ہمیشہ سمبلائز کیا گیا ہے اشتراکی انقلاب کو ہمیشہ سرخ جو ہے نا مطلب کہ انقلاب سے, اور یہ خون کے ذریعے ہی جو ہے نا مطلب کہ خونی انقلاب یوں آپ جو ہے نا سمجھ لیں.
खैर उसके बाद जो है ये लोग चाहते ये हैं, जैसा कि मैंने आपको कालमास का एक बड़ा ही मज़ा का खेज जो उसका खौल था वो सुनाया कि द लास्ट कैपिटलिस्ट, जो दुनिया का जो आखिरी कैपिटलिस्ट जिसको हम फांसी देंगे, वो आदमी वो होगा जिससे हमने रस्सी खरीदी होगी, जिस जो है वो उसने जो है बड़ी अजीबोगरीब बात कर, मैं जो है ना मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आपको जो है वो बता रहा हूँ कोट, जो उसने जो है ना मतलब कि कार्ल मार्क्स को कोट किया है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर, वो जो है ना लिखा है कि द लास्ट कैपिटल वी हैंग शेल बी वन हु सोल्ड द रूप, कि जो उसने हमें रस्सी बेची है उसको आखिरी फांसी हम उसको देंगे, उस कैपिटलिस्ट को देंगे। तो इसलिए वो ना किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को वो लोग रिकग्नाइज करते हैं, ना पर्सनल जायदाद को, ना पर्सनल माल को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे जो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु उनका जो है कहना था कि इस्लाम में पर्सनल वेल्थ अलाउड नहीं है, और इसलिए वो जो है बड़ सख्ती से मुखालिफ थे पर्सनल वेल्थ के, और इसकी वजह से हज़रत उमर के ज़माने में उनको मदीना छोड़ना पड़ा अपने इसी सख्ती की वजह से, अपने जो उनके जो ख्यालात थे अपने तसव्वुरात की वजह से। तो उनको भी लोग जो है ना हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं वो लोग अबू ज़र ग़फ़ारी को पहला मुसलमान कम्युनिस्ट कहते हैं। खैर ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ जो वो यह है कि जो मैं आपको जो है वो बताना चाहता था कि मरहला वाइज वो लोग चाहते हैं कि सुर्ख इनकलाब एकदम से नहीं आता बल्कि मरहला वाइज आता है, और इसकी जो आखिरी हद है वो ये है कि आदमी को यानी एक माशरे को, इंसानी माशरे को इतना तरक्की कर जाता है वो कि उसके बाद उसको किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं रहती, ना किसी पुलिस की ज़रूरत होती है, ना किसी हुकूमत की ज़रूरत होती है, लोगों में खुद इतना शऊर आ जाता है सुर्ख जो है ना मतलब कि ट्रेनिंग के बाद सुर्ख ये इसके बाद कि फिर अब किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती। ये जो है ना उसका आखिरी मरहला कार्ल मार्क्स के हिसाब से। और इसकी तालीमात के ऊपर इसको जर्मनी से निकाल दिया गया, तो ये फ्रांस गया, फ्रांस भी उसको धक्के मार के निकाल दिया, तो उसके बाद वो पहुंचा जो है ना इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बैठ के उसने अपनी पूरी ये रिसर्च का काम किया। लोगों का ख्याल है कि वहीं पे उसको मज़दक की जो है वो किताबें हकी मज़दक की किताबें हाथ लगें, और वो वहीं से इसका जो है ना नक्शा इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ेकार के ऊपर वहीं से उसने जो है वो ये काम किया। तो इसको जो है ना दो लोग मिले जो इंतहा से ज़्यादा इसकी मदद की उन लोगों ने, एक तो था स्टालिन और दूसरा लेनिन। और इन ये ऐसे लोग थे, अब मेरे पास इतना आपको जो है ना वक्त नहीं है, मैं किसी वक्त और फिर जो है ना बताऊंगा आपको। ये दो शख्सियत दुनिया की तारीख के ऊपर बहुत बड़ा असर छोड़े हैं, और उनकी सवान हयात बयान करने का इस वक्त जो है ना मेरे पास न वक्त है ना आपके लोगों के पास इतनी ये है कि सुन सकें। तो बहरहाल लेनिन और स्टालिन ने इसकी तालीमात को आगे बढ़ाया और इसके रेवोल्यूशन को सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया, और इसको जो है ना रशिया के अंदर नाफिस किया। और रशिया में नाफिस करने के बाद UDSSR जो रशिया का जो बना, जिसको सोवियत यूनियन जो है आज आप कहते हैं, ये पांच मुस्लिम रियासतों को बज़ोर उनके ऊपर कब्ज़ा करके गसब कर लेने को जो है ना मतलब के बाद ये हुकूमत UDSSR की मारीज वजूद में आई थी, पांच बड़े मुस्लिम ममालिक। और ये जो है वो ये पूरा रशियन तुर्किस्तान, जिसको जो है ना तुर्किस्तान का वो हिस्सा जो रशिया का हिस्सा था पहले, जो तुर्की उस्मानी सल्तनत के अंदर उस्मानी सल्तनत में था, इसके ऊपर जो है इन्होंने बज़ोर कब्ज़ा किया और वहाँ पे अपना जो है उसको
UDSSR के नाम से उसको उस सल्तनत का नाम उन्होंने दिया। आप देखिए कि इकबाल के बखौल आप मजीद जो है ना मतलब वो उसकी इबलीस की मजलिस शुरा के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो ना ही सिर्फ इसके अंदर जो है वो वहाँ पे उस पर वहाँ पे इश्तराकियत का जो है वो ये किया ग्रुप बनाया, बल्कि इनके जो दो ताकतें इनके खिलाफ भी हुई, एक हिटलर और एक मुसोलिनी। हिटलर ने इसको जो है वो और मुसोलिनी ने हिटलर ने दोनों मिलके इस तहिया कर लिया था कि इसको ख़त्म कर देंगे दुनिया से। और मगर जो है इकबाल ने मजलिस शुरा के अंदर इबलीस की मजलिस शुरा के अंदर ये जो है बताया कि शैतान ने अपनी मजलिस शुरा के अंदर ये दोनों बैठा ये फैसला कर रहे थे कि दुनिया में शैतानी निज़ाम को कौन तबाह ताराज कर सकता है। तो इकबाल का एक मुशीर बोलता है कि मैं ये समझता हूँ कि इश्तराकियत ही इबलीसी निज़ाम के लिए चैलेंज है। और ये जो है वो इकबाल की ये जो नज़म है इबलीस की मजलिस शुरा, मेरे भाइयों ये इतनी कंसेप्चुअल नज़म है ये, और इसमें इकबाल ने बड़े कमालात दिखाए हैं। दुनिया की तारीख के एक एक अहम से अहम वाक़े को इकबाल ने एक एक जुमले के अंदर बयान किया है, और ये इतनी दकीक और इतनी बलीग जो है नज़म है कि इसके मतालिब तक पहुंचने के लिए आपको दिनों मुताला करने की जो है वो हाजत है। ये इतनी आसानी से ये पल्ले पड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको जो है ना बड़ा गायर मुताला करने की ज़रूरत होती है। इकबाल इसीलिए इसमें कहते हैं कि ये जो मुसोलिनी था जो इटली का जो डिक्टेटर था, इसमें और हिटलर में दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। और डिक्टेटर्स के लिए दुनिया में दो किताबें लिखी गई, आपके लिए एक बड़ी जो है ना अजीबोगरीब बात होगी, जितने भी दुनिया में डिक्टेटर्स हुए हैं वो लोग ये दो किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात मुसलमा तौर पर जो है तारीख़ के सफ़ात के अंदर मौजूद है। एक इटाली का जो है फिलासफर था जिसका नाम मैकावली था, और आप देखिए कि मैकावलियन जीनियस जो है ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का एक ईडियम बन चुका है। जो आदमी शैतानी जहन रखता है उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में जो है मैकावलियन जीनियस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जो है आपको दूसरा आदमी जिसकी किताब लोग सारी दुनिया के सारे डिक्टेटर्स पढ़ते हैं, आपको हैरत होगी जान के, वो हमारा चाणक्या है, जो आजकल जो है ना हमारे अमित शाह जी के लिए भी ये लफ्ज़ बड़ा बोला जा रहा है कि ये चाणक्या है हिंदुस्तान की सियासत के। मगर सही मानों में देखा जाए तो वो एक चाणक्या जो है एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए उसने एक निसाब बना के दिया था, और वो उसके अंदर ऐसी ऐसी हिदायतें हैं जो दुनिया के सारे डिक्टेटर्स के लिए एक जो है वो रास्ता जो है दिखाती हैं उनको। तो मैं आपके सामने ये चाणक्य का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि हिटलर ने मुसोलिनी को चाणक्य की किताब तोहफे में दी थी। ये बात तारीखी तौर पे जो है साबित है, तारीख के अंदर है, आप पढ़ के देखिएगा। और दूसरी चीज़ वो ये है कि जवाब में मैकावली की किताब मुसोलिनी ने हिटलर को जो है तोहफे में दी थी, और ये दोनों जो है किताबें
ये इंतहाई शैतानी जहन रखने वाले लोगों के लिए कि किस तरीके किस ब्रूटल तरीके से हुकूमत की जाती है और हुकूमत करना चाहिए, ये जो है बताती हैं। खैर, मैं उन किताब की जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इटली का जो है ना मुसोलिनी ने यह बेड़ा उठाया था कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इस जो है ना मतलब कि तहरीक को, और इसी वास्ते इकबाल जो है वो अपनी नज़म में कहते हैं, कौन बहरे रूम की साहिल से है लिपटा हुआ, गाह बालिद चूँ सनोबर गाह नालिद चूँ रबाब। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तक कि आपको इस नज़म के अंदर इंतहाई गैर तरीक़े के ऊपर आप मुताला नहीं करेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इशारा जो है वो मुसोलिनी की तरफ है। और यहाँ जो है वो बहरे रूम की साहिल से उसी की सल्तनत चिपकी हुई थी और वही उस ज़माने में दुनिया का खदावर शख्सियत थी। और आपको एक बात बताऊँ कि इकबाल भी मुसोलिनी से मिलने के वास्ते गए थे, और जब इकबाल मुसोलिनी से मिले बड़ा खुश हुआ इकबाल से मिलके, और उसके बाद बोला कि आप जाते हुए मुझे कुछ नसीहत करके जाइए। तो इकबाल ने उससे कहा कि देखिए, आप शहरों को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, शहरों को एक्सपेंशन से रोकिए और उसकी जगह दूसरे शहर बनाइए, मगर शहरों को एक्सपेंशन से रोकिए। इससे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल करने के अंदर आसानी होगी और क्राइम्स के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे आप। तो कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, बोला वंडरफुल, एक बात तुम किस तरीके से कह रहे हो। तो इकबाल बोल रहे हैं कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात आज से 1300 साल पहले दुनिया के अंदर एक पैगंबर गुजरा है मोहम्मद, उसने कही है। बोला सच कह रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये इकबाल का और मुसोलिनी का मकालमा है जो सारी किताबों के अंदर लिखा है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर पढ़ेगा पढ़ के देखिएगा। तो खैर, वो ये समझता था कि मैं जो है ख़त्म कर दूँगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। और UDSSR जो है उसने वारशा पैक्ट क़ायम किया, और अतराफ के जो छोटे छोटे दूसरे ममालिक थे जिस तरीके से पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया वगैरह, इन सबको जो है मिला के अपने साथ इनके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया, जिस तरीके से मुसलमान रियासतों को ज़म कर लिया इन लोगों को ज़म नहीं किया, बल्कि वारशा पैक्ट के अंदर इनको जो है ना शामिल कर लिया। और इधर अमेरिका पूरे वेस्टर्न यूरोप को मिला के एक नाटो की जो है ना मतलब कि वो बुनियाद रखी, और अमेरिका और पूरे वेस्टर्न यूरोप के जितने भी मालिक थे तुर्की के बशमूल, उसने जो है ये नाटो पैक्ट के अंदर उन लोगों को ज़म कर लिया। और दुनिया में दो मुतहारिब ग्रुप्स बने, एक नाटो और दूसरा वारशा पैक्ट। इसके बाद क्या हुआ कि यूगोस्लाविया एक मुल्क था जहाँ का रहनुमा जो है वो भी मिलिट्री का रहनुमा था, मार्शल टीटो। उसने ये देखा कि जो है ये लोग वारशा और नाटो हो गए, बाकी सारे कंट्रीज़ कहाँ जाना चाहिए। तो उसने एक नॉन अलाइन कंट्रीज़ का एक ग्रुप फॉर्म किया, और जिसके अंदर उसने दो उस ज़माने की बड़ी खदावर शख्सियतों को शामिल किया, एक मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर को और दूसरे जो है पंडित नेहरू को। और इस तरीके से ये नॉन अलाइन कंट्रीज़ का ग्रुप जो है वो वजूद में आया, मगर ये कोई बहुत बड़ा सियासी इनकलाब दुनिया के अंदर नॉन अलाइंड कंट्रीज़ वाले नहीं पैदा कर सके। मगर ये जो दो ग्रुप थे इन्होंने जो है ना मतलब कि वो आपस में ये लोग जो है वो
बराबर मिलके काम करते रहे। इकबाल ने लेनिन के ऊपर एक नज़म लिखी, वो नज़म मैं आपको पिछले अपने जो है ना लेक्चर में मैं सुनाना चाहता था, मगर जो है वो वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं सुनाया, मैं आज सुना रहा हूँ आपको। थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह कोल्ड वार के ऊपर बात करेंगे एक जो है ना थोड़ी देर। पहले उस नज़म को सुन लीजिए लेनिन के ऊपर जो इकबाल ने लिखी है। कहते हैं कि जो है इकबाल, ए अनफुस व आफाक में पैदा तेरी आयात। लेनिन जो है ये नज़म, ये भी एक सिंबॉलिक नज़म है जो लेनिन खुदा के हुजूर में कह रहा है। ये जो है उसका उन्वान है लेनिन खुदा के हुजूर में, अल्लाह के पास पहुंचा लेनिन मरने के बाद और ये जो है ना कह रहा है। ये एक फंटाजी है एक शायर की, मगर जो बातें इकबाल बोलना चाह रहे थे वो सारी की सारी लेनिन की ज़बान से बोलने लगा रहे हैं अल्लाह मियाँ के सामने। सुनिए कितनी प्यारी नज़म है, और यह दुनिया का लिटरेचर का एक शाहकार भी है, आपसे सच कह रहा हूँ मैं। ये हर आदमी के हर शायर के बस की बात नहीं है, ना कोई हर शायर इस तरीके की बात कर सकता है ना कह सकता है। ये जो है वो कहते हैं कि ए अनफुस व आफाक में पैदा तेरी आयात, हक यह है कि जिंदा वो पाइंदा है तेरी ज़ात। मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं है, हर दम मुतगैर थे खिरत के नज़रियात। के जो अक्ल है वो हमेशा तेरे वजूद के ताल्लुक से मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात का इजहार करते रहती थी और दुनिया को उलझा के छोड़ दिया था। मैं किस तरीके से समझता कि तू है कि नहीं है। और एक बात का इतराफ़ कर रहा है इसमें, जो है ना मैंने आपके सामने अभी जो है आयात पढ़ी के जो है वो तबारक अल्लज़ी जाअल फिस्समाई बुरूजं व जाअल फीहा सिराजं व खमरं मुनीरा। कह रहा है कि अनफुस व आफाक में तेरे आयात फैले हुए हैं जो है। आप देखिए जो आयत मैंने तिलावत की है, क्या ये जो है ना मतलब है कि वो यही बात नहीं कह रहा है, जो है ना मतलब है कि लेनिन अल्लाह के आगे कह रहा है, यही कह रहा है। और हक यह है कि जिंदा वो पाइंदा है तेरी ज़ात। मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं है, हर दम मुतगैर थे किरत के नज़रियात। महरम नहीं फितरत के सुरूदे अजली से, बीनाए कवाकिब हों के दानाए नबातात। मेरे भाइयों, इकबाल की टर्मिनोलॉजी ही अलग है। इकबाल को समझने के लिए इकबाल की टर्मिनोलॉजी को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देखिए, पहले तो कह दिया कि हरदम मुतगैर थे खिरत के नज़रियात के अखल हमेशा मुख्तलिफ किस्म की बातें बयान करती थी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है महरम नहीं फितरत के सुरूदे अजली से, बिनाए कवाकिब हों के दानाए नबातात। साइंस के दो फील्ड का जिक्र किया इकबाल ने यहाँ पे, एक बिनाए कवाकिब सितारों को देखने वाला साइंटिस्ट जो फलकियात का माहर, उसको बिनाए कवाकिब कह रहे हैं इकबाल। और दानाए नबातात बॉटनी का जो है एक्सपर्ट, बॉटनी का साइंटिस्ट जो है। और ये जो है वो ये है कि आदमी जब तक के जो है वो इन चीज़ों को गौर से ना देखे। वक्त नहीं है मरना, मैं आपको एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाता। तो ये सर जेम्स जेंस, ये आपके जो है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिर फलकियात था सर जेम्स जेंस। ये जो है वो पढ़ाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था कैम्ब्रिज के अंदर। तो हमारे खाकसार तहरीक के जो बानी थे, उन्होंने जो है ना इनायतुल्ला मशरक़ी, उन्होंने जो है, आपको मालूम होना चाहिए ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, कि वो कैम्ब्रिज के जो है उनके पास ब्लैक बेल्ट था मैथमेटिक्स का, और वो आदमी था जिसने वहाँ के मैथमेटिक्स के प्रोफेसरों को हराया था कॉम्पिटिशन्स के अंदर।
इनायतुल्लाह मशरक़ी जो हमारे पास जो है ना, मतलब कि वो अल्लामा मशरक़ी के नाम से मशहूर हैं, इनायतुल्लाह मशरक़ी। एक दिन वो बरामदे में खड़े हुए थे इनायतुल्लाह मशरक़ी, और सर जेम्स जेम्स जा रहा था, बेतुकी बारिश हो रही थी, मगर सर जेम्स जेम्स जो है ना वो अपने एक अजीब आलम में वो चला जा रहा था। उसके हाथ में छतरी भी नहीं थी और बारिश बेइंतहा हो रही थी। तो दूसरे दिन जब यूनिवर्सिटी आए इनायतुल्लाह मशरक़ी, तो ये चूंकि इतने जो है ना जीनियस किस्म के मैथमेटिक्स थे कि पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा था उनका, तो चैम्बर में घुस गए सर जेम्स जेम्स के और जाके उनसे पूछा सर जेम्स जेम्स से, सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? तो उसने कहा कि पूछो, क्या बात है? तो इन्होंने पूछा कि सर ये बताइए, कल बेतुकी बारिश हो रही थी, मैं बरामदे में खड़ा था यूनिवर्सिटी के, और आप किसी धुन में चले जा रहे थे, आपके हाथ में छतरी तक नहीं थी, कहाँ जा रहे थे आप? वो माहिर फलकियात था, तो बोला इनायतुल्लाह मशरक़ी बैठो, बिठाया उनको। उसके बाद कहने लगा, मैं जब टेलीस्कोप से, मैं अपनी जो है दूरबीन से जब मैं अल्लाह की इस बेपनाह कायनात का मुताला करता हूँ, मुशाहदा करता हूँ, तो मैं अपने आप में नहीं रहता, मैं किसी और ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ, और मैं इस बेखुदी के आलम में मैं निकल रहा था, अपने तजुर्बागाह से मैं निकला और मैं चर्च की तरफ जा रहा था ताकि मैं इस बात का एतराफ़ करूं कि अल्लाह तू बहुत अजीम है। तो इकबाल कहते हैं कि जिस इंसान को उसका इल्म अल्लाह तक ना पहुंचाए, वो इल्म जो है इल्म ही नहीं है। इस बात से इकबाल ने एक जगह कहा कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं इसी इल्म को इसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। के जो है आप देखिए कि आज के दौर में हमारी जो है ना बच्चियों का क्या आलम है। इकबाल कह रहे हैं कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। के जो है वो आप देखिए कि जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात, महरम नहीं फितरत के सुरूदे अजली से। अगर फितरत के सुरूदे अजली से वाकिफ़ होते तो तेरी ज़ात तक पहुँच जाते थे। ये लेनिन एतराफ़ कर रहा है अल्लाह के सामने जो है ना वो, और इकबाल ये कहलवाने लगा रहे हैं उससे। और आज आँख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात, कि मैं जो है ना मुल्ला के खुराफात समझता था, जब तक मैं तुझे जो है ना आज अपनी नज़रों से मैं तुझे देख रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो है ना ये। तो मेरे भाइयों, ये एक इंतहाई मारकतुल आरा नज़म। मेरे भाइयों, हम बंदे शब और रोज़ में जकड़े हुए बंदे, आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने हमें शब और रोज़ में जकड़ दिया है। आप देखिए सूरह बल असर की तफसीर नहीं है ये, अल्लाह ताला ने इंसान को चंद दिन और चंद रात दिए हैं जिंदगी गुजारने के लिए। इसी वास्ते इकबाल अपनी एक नज़म में कहते हैं कि सिलसिला रोज़ शब असले हयात व ममात, सिलसिला रोज़ शब तारे हुरेरे दुदरंग, जिससे बनाती है ज़ात अपने खबाए सिफात, सिलसिला रोज़ शब कारे जहाँ की नमूद। आप देखिए कि इसके अंदर बस ये दिन और रात का चक्कर है और कुछ नहीं है। इंसान को सिर्फ ये दिया गया है। इमाम राजी फरमाते हैं सूरह वल असर की तफसीर के अंदर, सारे इंसानों का मामला ऐसा है जैसा कि ये बर्फ़ के ताजिर हैं, हर एक को एक बर्फ़ की सिल दे दी गई है जो तेज़ी से घुलती चली जा रही है, और जिसने इस बर्फ़ की सिल को जल्दी से जल्दी टके लगा दिया वही कामयाब, और जो बैठा रहा हाथ पे हाथ डाल के मुंतज़िर है फ़र्दा जो है
तो उसकी सिल जो है गल के जो है ना घुल के जो है वो हो जाएगी और उसे दुनिया के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के हुजूर जब पहुंचेगा तो कुछ नहीं पेश कर सकेगा। और यही जो है सिलसिला रोज़ो शब है। इकबाल जिससे जो है कह रहे हैं कि तारे हो रहे दो रंग, ये एक ऐसा रेशम है दो रंगी जिससे जो है दिन और रात सफ़ेद और सियाह, इसी से इंसान अपनी ज़िंदगी के सारे जो है ना वो बून लेता है। तो उसके कह रहे हैं कि हम बंदे शब और रोज़ में जकड़े हुए बंदे, तू खालिक सार वो निगारिंदा है अनाथ। मेरे भाइयों सर पीट लीजिएगा, क्या जो है ना मतलब कि ज़बान है, क्या तर्ज बयान है, क्या अल्फाज हैं, क्या जो है ना मतलब कि ये है, ये मैंने तो सारी जो है ना मेरी ज़िंदगी गुजर गई उर्दू अदब का मुताला करते, मगर कहीं एक जगह जो है ना मतलब कि किसी के पास अगर ये टर्मिनोलॉजी मिली तो मुझे बताइएगा। इकबाल कहते हैं तू खालिक एसार, आप देखिए कि एसार जमा है असर की, असर की जमा एसार है, और अनाथ आन की जमा अनाथ है। अल्लाह मियाँ की तारीफ इससे बेहतर और कोई क्या कर सकता है, खालिक कायनात की तारीफ इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है जो लेनन कर रहा है अल्लाह के हुजूर। इकबाल बोलने लगा रहे हैं उससे तो खालिक आसार व निगारिंदा है अनाथ। और उसके बाद कह रहे हैं एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, हल कर न सके जिसको हकीमों के मखालात, मैं जब तक जिया खैमा अफलाक के नीचे कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात, वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी के जो है ज़ेरे समावात, मशरिक़ के खुदावंद सुफ़ैदान फरंगी, मगरिब के खुदावंद दरख्शिंदा खलजात। ज़रा मैं फास्ट गुजर जा रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, तफसील का जो है ना चाहे कि वह वक्त नहीं है। उसके बाद कहते हैं एक बड़ी मारकतुल आरा जो है वो चीज़ है, वो यह है, कहता है अल्लाह मियाँ से मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं है। अल्लाह को बोल रहा है जो है नाम जो है लेनिन के, यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, ये बंद को सुन लीजिएगा बस। आप आज का जो है ना लेक्चर मेरा, अगर आपने इस बंद को समझ लिया तो आज का मेरा लेक्चर मैं समझूंगा कि मैं जो है ना हक अदा कर दिया उसका। कह रहे हैं कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि बे चश्मे हैवान ये जुल्मात। चश्मे हैवान ये एक टर्मिनोलॉजी है मेरे भाइयों, ये एक तलमी है जिसको जो है ना हम लोग उर्दू अदब के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जिसको कहते हैं कि जो है वो आदमी एक मरतबे इसका जो पानी पी ले इस चश्मे हैवान का, वो कभी मरता नहीं और उसको हमेशा की ज़िंदगी नसीब हो जाती है। और इसी को चश्मे हैवान कह रहे हैं इकबाल। उसके बाद जो है सुनिएगा ये आज के दौर में, रानाई तामीर में रौनक में सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों के इमारात। बोलता है कि जो है जाके बैंकों को आज देखिए, ये सूदी निज़ाम जिसका जो है ना लेनिन दुश्मन था, ये कैपिटलिस्ट निज़ाम जिसका लेनिन दुश्मन था, और कार्ल मार्क्स जो है ना जिसका जो है ना मतलब कि कहता था कि दुनिया में एक कैपिटलिस्ट को भी जिंदा मत छोड़ो अगर तुम जो है ना इनकलाब बर्पा करना चाहते हो। तो ये जो है ना बोलता है रानाई तामीर में रौनक में सफ़ा में, आज जाके देखिएगा आप, और गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत, ज़ाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, सूद एक एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात। ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात, बेकारी व उरियानी व मैखारी व इफलास, क्या कम है फरंगी मदनीयत के फतूहात, वो कौम के फैज़ान समावी से वो महरूम, हद उसके कमालात की है बर्फ़ व बुखारात। उसके बाद जो है मेरे भाइयों मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि ये जो कोल्ड वार है दोनों जो है ग्रुप्स के दरमियान, वारशा और नाटो के, ये जो है
1947 से शुरू होती है और 1991 में ख़त्म होती है। आप लोग जो है ना थोड़ा बहुत सा उस ज़माने के अखबार वगैरह सब देखते रहते थे कि क्यूबा के अंदर फिडेल कैस्ट्रो ने जो है वो अमेरिका को नाक चने चबा दिया था और प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा के ऊपर हमला किया जो रशिया का हलीफ था और वहाँ पे अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। फिडेल कैस्ट्रो का कुछ नहीं बिगड़ा जो अभी थोड़े दिन पहले तक के जो है ना मतलब है कि क्यूबा के का जो है ना मतलब कि सदर रहा। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ वो ये थी कि साइनो सोवियत रिलेशंस को तबाह किया इन लोगों ने और चीन और रशिया को लड़ा दिया और दो अलग अलग ग्रुप माओ के और जो है ना मतलब कि इधर जो है ना मतलब के बन गए ब्रेजनेव और एक तरफ जो है माओ ज़ेडुंग, दूसरी तरफ जो है ना बर्लिन क्राइसिस है। ये सारी चीज़ों को कोल्ड वार जो है ना के नाम से कहते हैं और इसको जो है आप ये देखिए कि इसके अंदर इस ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने वाला एक ट्रेड यूनियनिस्ट था जो पोलैंड का बादशाह था जिसको लेक वालंजा कहते हैं। इसकी तहरीक ने रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज भी आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना आजकल बहुत जो है वो हमारे जो है मीडिया के अंदर बहुत इस्तेमाल हो रही है जो है ना सिलसिला जारी है और इसी तरीके से जो है ना मतलब कि इसको मैं इंशाल्लाह आइंदा जो है ना मतलब कि इन सारे चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से बर्लिन क्राइसिस का जिक्र है इसके अंदर और पोलैंड के अंदर से जो है ना रशिया का जो है ना वहाँ से जवाल शुरू हुआ और मुस्लिम ममालिक को पांच मुस्लिम ममालिक को आज़ादी हासिल हुई और ये रशिया के जो टुकड़े हुए ना वो सदर मालूमाती और किस सदर आलिमाना खिताब था। मैं समझता हूँ कि हमारी प्यास नहीं बुझी और कुछ सवाल भी करने हैं और हमारे मुखर साहब से मेरी गुजारिश है कि जिस कदर जल्द हो सके ये एक ऐसा उन्वान दें कि फिर इसी का सिलसिला जारी रहे क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप पूरे ख्याल का इजहार नहीं कर सके इस वक्त। और जैसे मिसाल के तौर पे दो अशार सुनाता हूँ जो मुतालिक हैं टॉपिक से। मैं खटकता हूँ दिले अज़दा में कांटे की तरह तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। फिर उसी तरीके से लेनिन के बारे में और कार्ल मार्क्स के बारे में उनके जो ख्यालात हैं वो भी अशार पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बात यह है कि आपने इतनी गहराई में मुतालिया किया है और यूरोप में रह के कि आज का की तकरीर मैं समझता हूँ आधी भी वो नहीं कर सके और उनके ख्यालात को हमको सुनने का बहुत और इतना मौका और उनसे गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द वो हमको दूसरा इसी सिलसिले का उन्वान क्योंकि आपने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो नामुकम्मिल हैं और आपकी तैयारी के लिहाज से मैं समझता हूँ पूरे हम नहीं सुन सके। अब यहाँ वजू के लिए भी टाइम मांगते हैं और बाद ये मोतरिस होते हैं कि साहब आप वजू का टाइम लीजिए। तो मैं बता दूँ ये कि अभी हमारे जो ऑर्गेनाइजर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि ज़ियाउद्दीन नैयर साहब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो 15 दिन बाद जो है उनकी निश्चित खाली है और वो कह रहे हैं कि मुझसे जो है ना उसकी जगह ले ले तो इंशाल्लाह एक हफ्ता बाद इंशाल्लाह फिर कोई कोई टॉपिक लेके हो इसका कंटिन्यूएशन इसी इसमें कोई टॉपिक लेके मैं इंशाल्लाह आपके सामने बाकी जो है पेश करूंगा। अच्छा वो शेर क्या है दर बगल दारत किताब हाँ शेर शेर पढ़ दीजिए खाली। वो जो है वो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स के ताल्लुक से इकबाल ने कहा के नीस्त पैगंबर हो लेकिन दर बगल दारत किताब के जो है कार्ल मार्क्स के ताल्लुक से इकबाल ने कहा कि उन्हें कह रहा है शैतान जो है कह रहा है कि ये पैगंबर नहीं था मगर इसके बगल में जो है किताब थी। और ये दरअसल ये जुमला जो है ना अक्सर हमारे जो पुराने असातेज़ा फ़न है वो लोग मौलाना रूम की मसनवी के ताल्लुक से कहते हैं नीस्त पैगंबर हो लेकिन दर बदल मतलब है कि पैगंबर नहीं था मगर उसको अल्लाह ताला ने एक किताब दी थी। नहीं उसके अलावा अगर तेरे बगल में किताब होती तो तू पैगंबर जो है ना कि पैगंबर नहीं था तू मगर तेरे पास जो है ना तेरे बगल में किताब थी जो है ना ये जो है वो ये है। तो मैं इसके बाद जो है
अब आप देना जल्दी से जल्दी कोई इंशाल्लाह इकबाल की एक नज़म है उसका उनवान है यूरोप। वो कहते हैं कि ताक में बैठा है मुद्दस है यहूदी सूतखार जिसकी रुबाही के आगे हेच है जोरे पिलंग खुद ब खुद गिरने को है पक्के हुए फल की तरह देखिए किसकी झोली में पड़ता है फरंग। ये जो है ये रख दीजिए।